6260174231, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाए। हे दोस्तों, पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी पेन स्केचिंग के ऊपर कि पेन स्केचिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पेन स्केचिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्यों वो ज़रूरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो डाली थी, वो आप ज़रूर जाके देखना, मेरे आपको चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उस वीडियो के बनने के बाद मुझे एक चीज़ पता चले कि काफ़ी सारे लोगों ने पेन को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था स्केचिंग करते वक्त। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट कुछ नया लोगों ने शुरू किया, कुछ नया करने का ट्राई किया। तो ये चीज़ देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ नया एक लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ना, ये सब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे एक मकसद है कि मैं स्केचिंग की इंपॉर्टेंस फैला सकूँ, क्योंकि आर्ट की फील्ड में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो स्केचिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज एन आर्टिस्ट अपने स्किल को ग्रो करने में। आज की इस वीडियो में मैं स्केचिंग करूँगा इंक की मदद से। इंक जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसको मैं वाटर कलर के टेक्निक के अकॉर्डिंग उससे स्केच करूंगा डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक बार कमेंट कर दो कि आपने कभी इंक का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है स्केचिंग करते वक्त, या उससे स्केचिंग किया या नहीं किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे इस सबसे पता चल रहा है कि किस तरीके की लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या इन सब मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं डेली लाइफ में। मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आती है सारी बातें। तो मुझे कॉमेंट में एक बार ज़रूर लिख दो कि आप इंक का इस्तेमाल पहले कभी आपने किया था कि नहीं किया था स्केचिंग करने के लिए, और अगर किया था तो क्या सारे मिस्टेक्स और क्या सारे प्रॉब्लम आपने फेस की, जो भी चीज़ें हैं सब कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। जो भी ये मीडियम इस्तेमाल मैं करता हूँ ना, अगर वो इंक हो या फिर कोई दूसरा मीडियम हो, ओके, कोई पेस्टल कलर हो या वाटर कलर हो, जो भी है, सबके पीछे कुछ बेस होता है, कुछ फाउंडेशनल लेवल पे काम होता है जिसको सीखना ज़रूरी है, और उसके कारण ही ये सारे मीडियम हम इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके ऊपर और डीप में चलेंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखते तो रहना, साथ में सुनते भी रहना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाला हूँ जो आपको आपकी जो एज एन आर्टिस्ट वाली जर्नी, जो आप ग्रोथ चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सारी बातें, ओके। तो अब ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, कॉमेंट एक बार कर दो और अब शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है, थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा पानी लेना है, बल्कि जितना कम लो शुरू में उतना अच्छा है। और यहाँ पे मैं इंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीबीओ का एक इंक आप देख सकते हो, हालांकि ये बहुत पहले से था मेरे पास, तो थोड़ा सा ये पुराना हो गया है तो थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है आपको ये, लेकिन जब आप इसको लेते हो नया नया तो ये काफ़ी पतला रहता है, काफ़ी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अभी थोड़ा सा मोटा है, इसको थोड़ा सा और गीला करके पतला कर लेते हैं इसका इंक को, और इसको हम वाटर कलर की तरह इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर इंक नहीं है तो आप वाटर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए। आप इसको एक्सरसाइज बोलो, आप इसको एक ट्रेनिंग का एक छोटा सा पार्ट बोलो जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। और ब्रश की मदद से आप चला के देख लो कि किस तरीके का फ्लुएंसी आपके ब्रश में आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा और डायरेक्ट ब्रश की मदद से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो, अब पूरी चीज़ को समझो आप, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रश को, ठीक है, लेकिन हमारा माइंड में क्या चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, सारे प्रोपोर्शंस सारे एंगल्स को हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, जब जब ब्रश पेपर के ऊपर लग रहा है, तब तब हम अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि कौन सा एंगल हमें खींचना है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट इंक की मदद से बना रहे, तो इसको हम मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है, और शुरुआत में बहुत बहुत गलतियाँ भी होती हैं। तो गलतियाँ करने से पहली बात तो डरना मत कि नहीं यार गलती हो जाएगी, मैं क्या करूँ, मेरे से गलती होगी तो फिर थोड़ा सा और मैं डर डर के करूँ, ऐसा नहीं। इन्जॉय करना है, डरना नहीं है, ठीक है, मज़े से करो, मज़ा लो इस पूरे प्रोसेस का, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जो मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, इसमें मैं फ़ोटो की मदद से भी ड्रॉ करूँगा, इमेजिनेशन से भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और उन सभी का कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करूँगा। तो ये चीज़ जब हम रिपीटेड मोड में करते हैं ना, तो हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक फ्लुएंसी आ जाती है, एक रिदम आ जाता है,
ठीक है। और टाइम के साथ साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ड्राइंग को लेके, उसकी मदद से हम कई सारे आर्टवर्क में वो चीज़ें छलकती हैं। हम भले ही एक बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहे हों या फिर क्विक स्केचेस बना रहे हों, हमारा जो अंदर में जो हमने सीखा है, जो स्किल डेवलप की है, वो हर एक जगह दिखती है। देख के बताया जा सकता है कि कौन बंदा या बंदी किस आर्टवर्क को किस कॉन्फिडेंस के साथ बना रहा है। जब भी कोई इंटरव्यूज़ होते हैं आर्टिस्ट के, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जब एंट्रांस एग्ज़ाम के बारे में आपने नाम सुना होगा कि ये एंट्रांस होता है, वो एंट्रांस होता है, वहाँ पे आपको पता है कि बहुत डिटेल्ड वर्क नहीं देखे जाते। वहाँ पे आपके छोटे से स्केच को देख के बताया जा सकता है कि आपने आप में कितना आपने प्रैक्टिस किया है, आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो सारे स्ट्रोक्स लगाए हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत डिटेल्ड एक एक बारीक वर्क कर देंगे तो हमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन एक जो ट्रू आर्ट का लवर होता है और जो आर्टिस्टों को काफ़ी सालों से देख रहा है, उनका जिनका आर्ट का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, जो समझता है आर्ट को, वो सिर्फ आपकी चार लाइंस को देख के बता सकता है कि आपने उन लाइंस को कितने कॉन्फिडेंस के साथ लगाया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप धीरे 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 डेवलप करोगे समय के साथ। लेकिन ये जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, मकसद है आप लोगों को ये समझाना कि ये सारी चीज़ें आपका पार्ट है, आपकी जर्नी का पार्ट है। आप कभी इंक से स्केच करते हो, कभी कोई और मीडियम से स्केच करते हो, कभी किसी टूल के साथ आप प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। आपको लाइव स्केचेस करने ज़रूरी हैं, आपको क्विक स्केचेस करने ज़रूरी हैं। और ये जो स्केचेस मैं अभी बना रहा हूँ, ये वाला जो मैं स्केच कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम मैं किसी भी स्केच में नहीं लूँगा इस पूरी वीडियो में, ओके। और इनफैक्ट मैं आपको और ज़्यादा फास्ट स्केचेस भी बना के दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि इसके अंदर जो भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी सालों से इकट्ठा की जाती है, तब जाके मैं आपको दे पाता हूँ। तो डोंट मिस ऑल दिस नॉलेज, ओके। और पॉइंटर्स भी बनाना, मैं हमेशा अपने लाइव सेशंस वगैरह में भी बोलता हूँ सभी को कि जो भी मैं बातें बोलता हूँ, जो भी मैं लाइव सेशंस करता हूँ, सभी के पॉइंटर्स ज़रूर बनाना, क्योंकि इस तरीके से मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की। जब मैं प्रैक्टिस करता होता हूँ तो जो भी नए पॉइंट्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, मैं उसको लिख लिया करता हूँ। भले वो पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन एक बार लिख लेने से क्या होता है, वो चीज़ याद रह जाती है। और वो कब कहाँ कितना काम आ जाए आपको आज नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा। अभी जो भी मैं स्केच यहाँ पे बना रहा हूँ, ये सारे स्केचेस 2 मिनट में टाइम ले रहा हूँ, ओके। थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट रखा है, बट रियल टाइम में 2 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूँ। कुछ रियल टाइम के सेक्शन भी दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आगे, तो इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से मैं चला रहा हूँ अपने ब्रश को, ओके। और ब्रश भी आप देख सकते हो कि मैंने बड़े साइज़ का ही पकड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत पतला ब्रश ले लिया है, बड़े साइज़ का ब्रश रखा है, लेकिन उसको चलाने का तरीके में फ़र्क आ जाता है, और वो आपका प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, ओके। और यहाँ पे जो भी मैं स्केच बना रहा हूँ वो इमेजिनेशन से ही बना रहा हूँ। अब कई बार ये सवाल भी आता है कि इमेजिनेशन से कैसे बनाए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मैं ब्लू इंक ले रहा हूँ, ये वो इंक है जो नॉर्मली सब इस्तेमाल कर रहे थे, और ये बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है किसी भी जनरल स्टेशनरी शॉप में, ओके। तो आप अगर आपके पास PBO वाला इंक नहीं हो जो मैंने शुरू में इस्तेमाल किया था, तो आप ये नॉर्मल इंक जो आपको कहीं भी मिल जाएगा उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अभी इस ब्लू वाले इंक से भी मैं स्केच कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 मिनट का टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्केच करूँगा, और आप देख सकते हो कि मैं रफ स्केच कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा है, मतलब दिन में अगर आप टाइम निकाल के स्केचिंग को दो, इस तरीके के फिगर स्केच कर रहे हो या फिर कोई दूसरा आप किसी और चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो, तो दिन में 10-15-20 ऐसे फिगर ड्राॅइंग बनाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, और इससे आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। देखो, एक चीज़ हमेशा समझना, शुरू में मैं बहुत एक बड़ी गलती करता था। मैं क्या करता था, आज से 5-6 साल पहले जब मैंने आर्ट को नई नई चीज़ों को सीखना शुरू किया आर्ट के अंदर, कि इसमें ये भी होता है ये भी होता है, तो उस समय जब मैं देखता था दूसरों को कि बहुत स्पीड वर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, किसी मास्टर आर्टिस्ट को देखता था, तो मुझे लगता था कि ये स्पीड को मैच करना है, मुझे भी इस तरीके की स्पीड में बनाना है। तो ये चीज़ माइंड में आती है क्योंकि वो अच्छा लगता है, वो देखने से बहुत कूल लगता है, तो मैं ट्राई करता था बट वो होता नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने स्पीड को थोड़ा सा भले ही धीरे रखा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके किया, लेकिन वो करते करते फिर अब क्विक स्केचेस की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई।
तो शुरू से ना स्पीड मैच करने का ट्राई नहीं करना। हो सकता है मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ, हो सकता है आपको वो 10 मिनट लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। बस डिटेल इसमें क्या, रिदम देखना है कि कौन सा स्ट्रोक कहाँ जा रहा है। डिटेल नहीं देना है कि ये शर्ट का बटन भी बना दें, इसका एक एक बाल भी बना दें, इसका आईब्रो भी बना दें, नोज वोज के अच्छे से डिटेल दे दें, ये नहीं। फोकस करो कि हमारा यहाँ पे इंटेंशन क्या है। यहाँ पे हमारा फिगर ड्राइंग जब हम बना रहे हैं तो इसका रिदम को पकड़ना है, इसकी फ्लो को क्विकली जज करना है, एसेंस लेना है, ठीक है। तो ट्राई करना है फास्ट करने का, रिदम को सही जो प्रोपोर्शन है उसको जज करने का। लेकिन फिर भी कई सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बिगिनर लेवल पे, जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो, तो थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं। जितना ज़्यादा करते जाओगे, जितना ज़्यादा समझते जाओगे, ऑब्जर्व करते जाओगे और उसको रिपीट मोड में करते जाओगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगी अपने आप, ठीक है। स्पीड बढ़ाना फोकस नहीं है, हमें काम को कैसे करना है सही तरीके से वो फोकस है। और उसको हम जब बार बार करते हैं तो स्पीड अपने आप बढ़ते चली जाती है। और यहाँ पर जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ इमेजिनेशन से बना रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इमेजिनेशन तभी स्ट्रांग होती है जब आप देख देख के चीज़ों को कई बार बना लेते हो। मैंने देख देख के फिगर ड्राइंग को बहुत बार बनाया हुआ है, हज़ारों बार मैंने फिगर ड्राइंग को देख देख के बनाया है, रिफरेंस हो या फिर रियल लाइफ से हो, स्टिल लाइफ्स हो। स्टिल लाइफ बनाने से भी हमारी फिगर ड्राइंग और बाकी ड्राइंग की जो अदर सब्जेक्ट में भी जो पकड़ है वो स्ट्रांग होती है। तो स्टिल लाइफ हो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट मैटर हो, लैंडस्केप हो, हर चीज़ को मैंने देख देख के बहुत बार बनाया है। तो उससे क्या होता है ना, दिमाग में क्लैरिटी आनी चालू हो जाती है कि हाँ ऐसे किया था मैंने, तो एक रिदम बैठ जाता है। तो उसके बाद बिना देखे भी हो जाता है, जैसे कि एक कीबोर्ड, जैसे कोई कंप्यूटर में कीबोर्ड चलाना सीख रहा है तो शुरू शुरू में तो वो नंबर को देखता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, लेकिन जब जब जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता चला जाता है फिर उसका कीबोर्ड में जो टाइपिंग है वो स्पीड हो जाती है अपने आप, है ना। तो उसी तरीके से ये स्केचेस जो हम करते हैं यहाँ पे हमारा रिदम की जो स्पीड है वो अपने आप आती चली जाती है। लेकिन शर्त यही है कि आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उसको बार बार रिपीट मोड में प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका सवाल हो सकता है कि ब्रश को इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश में कंट्रोल नहीं आता, तो वो कंट्रोल भी प्रैक्टिस के साथ आएगा। आपको बस ये समझना होगा कि जो हम ब्रश चला रहे हैं उसमें हमें कितनी डार्कनेस चाहिए या कितनी लाइटनेस चाहिए, ठीक है। ब्रश को बार बार पेपर पे रफ स्ट्रोक्स बना बना के देखो कि किस तरीके से उसको किस तरीके से आप मूव कर रहे हो तो कैसा स्ट्रोक बन रहा है। उस पर कंट्रोल लाने के लिए आप उसको कितने बार रफली बना रहे हो पेपर पे, रफ पेपर पे लाइंस खींच के देखो। तो इस तरीके से आपका ब्रश के ऊपर कंट्रोल आता चला जाता है, ठीक है। ब्रश क्या है, एक टूल है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज जो हम अपने दिमाग में रखे हैं उसको अपने पेपर पे निकाल रहे हैं। ब्रश की जगह कुछ और हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक जरिया है, हमारे दिमाग में जो चीज़ है उसको बाहर निकाल रहा है वो ब्रश, ठीक है। तो ब्रश की जगह कुछ और भी हो सकता है, मेन चीज़ क्या है, उस ब्रश से जो निकल रहा है उसको हम जज कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वो सही है या नहीं। अगर वो चीज़ हम जज कर पा रहे हैं तो फिर ब्रश हो या कुछ और, हम उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन निकालने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाते हो तो आपकी जर्नी जो आर्ट की बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ पाओगे। अलग अलग फिगर बनाया करो, अलग अलग पोज में, कोई खड़ा है, कोई आदमी बैठा है, कोई औरत है जो बाज़ार में घूम रही है, ठीक है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो वुमेन है जो अलग, उनके कॉस्ट्यूम अलग हैं। तो अलग अलग चीज़ों को देखो बारीकी से, कहीं जाते हो उसकी फोटोग्राफ्स लो, उसको ड्रॉ करो, उसका मज़ा लो, उसको स्केच करो, ठीक है। उससे क्या होता है ना, आपके मन में ना एक क्लैरिटी हो जाती है कि ये आदमी अगर ऐसा दौड़ रहा होगा तो इसका पैर यहाँ आगे होगा, इसका एक पैर पीछे होगा। ऐसे करते करते आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। अगले बार जब भी आप सब्जी लेने के लिए बाज़ार में उतरो और 4 किलो टमाटर का दाम के ऊपर आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा बैठ के देखना कि सामने वाला जो पर्सन जो टमाटर आपको बेच रहा है वो किस तरीके से बैठा है, उसका पोज क्या है। बगल में जो आंटी सब्जी बेच रही है वो अगर हाथ बढ़ा के सब्जी दे रही है तो देखो किस तरीके से उसका हाथ का पोजिशन है, ठीक है। जब कहीं जाते हो, किसी दुकान में बैठे हो, लोग खड़े हैं तो उनको देखो कि उनकी पोजीशन क्या है, पीछे से कैसे दिख रहे हैं, साइड से कैसे दिख रहे हैं, फोटोग्राफ्स लो, खड़े होकर देखो। तो ये चीज़ ना बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। और ये पूरा नॉलेज, ये सारी नॉलेज जब आप ले सकते हो तो आप घर पर बैठ के भी अपने आस पास के सराउंडिंग को ही अपना आर्ट का कॉलेज बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी आर्ट के कॉलेज में जा के पढ़ते हैं।
आप घर में बैठो, बाहर निकलो, अपने ग्राउंड में जाओ, फील्ड में जाओ, लोगों से मिलो, सब्जी लेने जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, राशन का सामान खरीद रहे हो, वहीं वहाँ पे आपका आर्ट का नॉलेज है। हमारा नेचर जो हम सराउंडिंग में रहते हैं वो आर्ट का नॉलेज हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रियल टाइम में भी थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग रखा हुआ है ताकि आपको और क्लियर हो, इसको देखो ध्यान से कि किस तरीके से स्केच कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हो सकता है बहुत बार प्रोपोर्शन बिगड़े, कई बार किसी का पैर आपने लंबा बना दिया, किसी का हाथ छोटा बना दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात यही है कि इसको रिपीट करना है, बार बार समझना है कहाँ गलती हो रही है, फिर रिपीट करना है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया है दोबारा से, अभी तक मैं इमेजिनेशन से स्केच कर रहा था, मैंने फिर से अभी एक फ़ोटोग्राफ लिया है। फ़ोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जज कर पाते हो, कंपेयर कर पाते हो कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। और लाइव ड्राइंग भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ लिया है और सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे मार्किंग आएगी और कहाँ पे मुझे डार्क और लाइट करना है। सो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ध्यान रखते हुए काम कर रहा हूँ। बड़े ही आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप चाहो तो अभी वीडियो में मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ सेक्शन को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, बट स्टिल आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ भी स्केच कर सकते हो। अगर आपके पास अभी इंक नहीं है तो वाटर कलर की मदद से स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास अभी वाटर कलर भी नहीं है तो फिर भी, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि कुछ अगर नहीं है तो रुकना नहीं है, कुछ और लो और शुरू हो जाओ। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल पेन भी है तो उसको उठाओ और इसके साथ साथ मेरे साथ साथ स्केच करना शुरू कर दो। और इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले इसके मेरे साथ साथ इस स्केच को करो, इस वीडियो को रोक के करो, ठीक है। अगर रोक के नहीं करना है तो चलते चलते करो, वीडियो को चलने दो और फास्ट स्केच करने की कोशिश करो। बार बार बैक करके दोबारा से इस फोटोग्राफ को देख के मेरे साथ साथ स्केच करो, ड्रॉ करो, और उसके बाद मुझे कमेंट बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। गड़बड़ियाँ हो रही हैं, होने दो, कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, होने दो, लेकिन पेन उठाओ, ब्रश उठाओ, जो भी आपके हाथ में आसपास अवेलेबल है उसको उठाओ, पेपर निकालो, मेरे साथ साथ इसको अभी बनाओ। देखते हैं कि कौन कौन एक्शन लेता है अभी। एंड आई होप कि आप में से जितने लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, ये आपके कमेंट से मुझे नज़र तो आता है। तो लेट्स सी, ठीक है। और आप चाहो तो ये स्केच मेरे साथ साथ अभी बना के मेरे इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी में डाल के मुझे टैग भी कर सकते हो, मैं ज़रूर देखूँगा, ठीक है। चलो सिर्फ देखना है कहाँ पे कितनी डार्कनेस हमें लगानी है। एक बार आउटलाइन ओवरऑल बन जाती है तो हमारा सेकंड जो फोकस होता है कि कहाँ पे जो वैल्यू है, कहाँ पे कितना डार्क दें, कितना लाइट दें, वो चीज़ हमारे ध्यान में होती है। जब हम लॉन्ग स्टडी करते हैं, आधे घंटे की, दो घंटे की, चार घंटे की लंबी स्टडी करते हैं, तो ज़्यादा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा आराम से रुक के समझते हैं। अभी 5 मिनट के अंदर मैं कर रहा हूँ या 2 मिनट के अंदर कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी डिसीजन ले रहा हूँ, फटाफट से ब्रश यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ठीक है। तो वही बस समझने में फ़र्क आता है, जब टाइम ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा सा धीरे रुक के ऑब्जर्व करते हैं, टाइम कम देते हैं खुद को, स्पीड वर्क करना होता है तो क्विकली स्टडी होती है फिर, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ियाँ होना हम खुद के लिए अलाउ कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गलतियों को सुधारते हुए चलें। जब कम से कम टाइम रहता है तो ये रहता है कि जल्दी जल्दी एसेंस लें, गलतियाँ हो रही है होने दें, लेकिन उस गलती को सीख के दूसरे स्केच में थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये माइंडसेट रहता है जब भी हम कुछ वर्क करते हैं। और जब जब आप इंजॉय करोगे ना इस चीज़ को, तब आपको रिपीट करने में मज़ा आएगा। कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर ले लेते हैं छोटे छोटे स्केचेस में, क्विक स्केचेस में इतना प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता है कि कई सारे लोग प्रेशर इतना ले लेते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, ये तो हमसे बन ही नहीं रहा, हमसे तो गड़बड़ियाँ हो रही, हम क्या करें, हमसे तो कलर ज़्यादा लग जाते हैं, डार्क हो जाता है, हमसे लाइट नहीं चलाता, इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि फिर वो रिपीट करने से डर जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ आपको, कोई बात नहीं, उसको रिपीट कर लो ना, एक बार गड़बड़ी हो रही होने दो। आपको महंगा पेपर तो इस्तेमाल करना नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी रफ सादा पेपर उठा के कर रहे हो, आप 5 रुपए का पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको उस मटेरियल के वेस्ट होने का तो डर है नहीं, तो किस चीज़ का डर है, पूछना इस चीज़ को अपने आप से, ठीक है।
तो ड्राइंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ड्राइंग अगर अच्छी है तो ये स्केचेस बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर बहुत फोकस देना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद फिर वैल्यूज़ आते हैं, और वैल्यूज़ के लिए आप डार्क से लाइट शेड्स बना सकते हो। पेपर में आप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हो, पेपर का या पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे डार्क और उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइट शेड्स बना बना के देख सकते हो। इसको वैल्यू बोलते हैं, जो डार्क और लाइट हम जज करते हैं उसको वैल्यू बोलते हैं। और ड्राइंग के बाद वैल्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये सारे प्रिंसिपल्स जब आप समझते हो, सीखते हो, इन चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज लेते हो, तो आपका आर्ट बहुत ग्रोथ है और इस फील्ड में आप बहुत बड़ा स्कोप बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइंग एक ऐसी स्किल है जो हर चीज़ का बेस होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट भी बन रहे हो, या फिर आप टैटू डिज़ाइनर बन रहे हो, आप फैशन डिज़ाइनर बन रहे हो, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहे हो, ड्राइंग स्किल आपका हर जगह बेस होता है। ड्राइंग का मतलब सिर्फ ये नहीं, देखो इंडिया में खासकर मैंने देखा है ना, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया। हम ड्राइंग मतलब सिर्फ ये समझने लगे हैं कि पेपर के ऊपर पेंसिल चलाना। अब कईयों को इसमें मज़ा नहीं आता, कलर करने में मज़ा आता है, तो वो ड्राइंग को छोड़ के कलर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग का सिर्फ मतलब वो नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और ऐसी वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं अपना पूरा ऑनेस्टली ड्राइंग के ऊपर थॉट शेयर करूँ सिर्फ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ड्राइंग एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ेगा कि आपको ड्राइंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो। और इसलिए मैंने एक ट्रेनिंग भी बनाई है जिसके ऊपर मैंने कई बार बताया है, और इसको मैं बताते रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एक अवेयरनेस फैलाना इंडिया में, खासकर एक विज़न के साथ एक अवेयरनेस फैलाना कि ड्राइंग स्किल, ये जो पूरी जर्नी है ना, एक बार आप अपने बेस को स्ट्रांग कर ले जाते हो तो फिर सारे टूल आपके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक बार आपका बेस मजबूत हो जाता है, एक बार आप प्रिंसिपल के ऊपर पकड़ बना लेते हो, उसके बाद आप कलरिंग करो, आप डिजिटली काम करो, आप लोगो डिज़ाइनर बन रहे हो, आप ग्राफिक ओवरऑल आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका बेस एक बार स्ट्रांग हो गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप क्रिएटिविटी ला सकते हो अपने काम में, आप वेरिएशन ऐड कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी ट्रेनिंग डिज़ाइन की है जहाँ पे आप फाउंडेशनल को, अपने फाउंडेशनल लेवल पे काम करते हो, अपनी बेस को स्ट्रांग करते हो, अपनी ड्राइंग स्किल को स्ट्रांग करते हो, उसके बाद आप कोई भी कलरिंग करो, कुछ भी करो, आप कर सकते हो अगर आपका प्रिंसिपल, आपके आर्ट के प्रिंसिपल और आपका आर्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग है तो। तो ड्राइंग मास्टरी एक पूरी ट्रेनिंग है जहाँ पे आप लाइव स्टडी, या फिर आप स्टिल लाइफ स्टडी हो, फिगर स्टडी हो, फोटो का इस्तेमाल करना हो, या फिर आपको एंगल प्रपोर्शन प्रिंसिपल्स में जो वैल्यूज़ लाइटिंग, इन सभी को समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए शुरू से लेकर एडवांस तक, उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए मैंने एक ट्रेनिंग बनाई है जहाँ पे आप सीख सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो और अपने बेस के ऊपर काम करना अभी से आज से शुरू कर सकते हो। तो ड्राइंग मास्टरी की पूरी डिटेल्स आपको चेक करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर में ही जो वेबसाइट है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसका लिंक डाल दिया है। आप जाओ आराम से पूरे पेज को देखो, समझो, चेक करो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप ये ट्रेनिंग में ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आप ये ट्रेनिंग आपके लिए सूट करेगी, क्या आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आप उस पेज को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। कई लोगों का मानना होता है कि उनके पास सही गाइडेंस नहीं है, सही ट्रैक नहीं है जिसके ऊपर वो चलना शुरू करें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और आगे भी मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इस पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है आर्ट की, उसका जो बेस है उसको बहुत अच्छे से अवेयर करना है, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचानी है, ताकि इस फील्ड में आप स्कोप बना सको, ताकि जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो इसमें स्कोप बनाना ऑटोमेटिकली पॉसिबल और इजी होता चला जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ड्राइंग मास्टरी की पूरी डिटेल्स देख सकते हो, इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, हमारे जितने भी ड्राइंग मास्टरी के मेंबर हैं उन सभी के साथ कनेक्ट होकर उन सभी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उन सभी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो और एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो अपनी इस पैशन में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे कमेंट में जो भी मैंने आपको बोला है आप प्लीज बताना, आपके जो डाउट्स होते हैं, आपके जो सवाल होते हैं, वो सारे भी कमेंट जरूर करना। इंक का इस्तेमाल आपने किया है कि नहीं किया जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग व्हाट यू लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।